सो वी आर डिस्कसिंग बैंकिंग्स और आज हम डिस्कस करेंगे जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप है उनकी बात करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट एप्स, ऑनलाइन पेमेंट एप्स की बात की जाए, एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हैं कि जैसे कि हो गए हमारे पास फोन पे, दिस इज द ऑनलाइन पेमेंट ऐप। इवन गूगल पे द मोस्ट फेमस ऑनलाइन पेमेंट ऐप, पेटीएम द बिगफिश is also largely a payment app। ये बात और है कि पेटीएम पे और भी काफी फैसिलिटीज मिलती हैं और आजकल सारी फैसिलिटी आपको फोन पे पे भी मिल जाती हैं, लाइक टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टू मेक गैस कनेक्शंस, टू बुक बसेस और ट्रेन और फ्लाइट्स, देयर सो मेनी थिंग्स। तो ये ऑनलाइन पेमेंट एप्स, सवाल है कि ये काम किस पे करते हैं। They work on UPI. They work on UPI. ये काम करते हैं UPI पे। And the full form of UPI is Unified Payment Interface. Unified पेमेंट इंटरफेस, यही फुल फॉर्म यूपीआई की। तो ये जो एप्स हैं, क्या ये कोई अमाउंट चार्ज करते हैं पेमेंट्स के लिए? तो नो अमाउंट ही चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट। तो जरा आप हिंदी में लिखिएगा, ये ऐप ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते। ये एप्स ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म के जरिए, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म PLATFORM, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए ये एप्स, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए ये एप्स ऑनलाइन पेमेंट करवाते हैं, ये एप्स ऑनलाइन पेमेंट करवाते हैं, उसका नाम है यूपीआई, उसका नाम है यूपीआई। और इसे गवर्नमेंट या सरकार ने बनाया है और इसे सरकार ने बनाया है। तो एक बात आप जान जाइए कि एप्स बेशक प्राइवेट हैं, मगर जिसके जरिए ये पेमेंट करवाते हैं वो तो है यूपीआई, और यूपीआई तो सरकारी है एंड सरकारी फैसिलिटी जनता के लिए भारत में फ्री में रखी गई है, कोई पेमेंट हमसे ये नहीं लेते। देखिए देखिए, ऑनलाइन पेमेंट करवाना एक एक फैसिलिटी है कि नहीं है? ऐसा आपसे अगर मैं पूछूँ तो एक टाइम पर फोन का रिचार्ज करने के लिए आपको किसी शॉप पर जाना पड़ता था और वहां पे पहले तो कार्ड स्क्रैच करो, वो जमाना था कार्ड मिलता था ना 109 रुपए के, 1 रुपए स्क्रैच करना, फिर कोड होता था, वो कोड डालकर फोन रिचार्ज किए जाते थे। उसके बाद फिर ये था कि फैसिलिटी आई जब कि विदाउट कार्ड आपका फोन रिचार्ज हो जाएगा, तो उसमें ये था कि वो फैसिलिटी खाली दुकानदार के पास थी, तो उसके पास जाना और कहना कितने का रिचार्ज करवा दो, तो अपने फोन से वो आपको रिचार्ज करता था। ये एक जमाना था। तो आपको शायद याद हो कि अगर 100 रुपए का रिचार्ज करना हो तो आपसे 105 रुपए लेता था, 105, तो 5 क्यों एक्स्ट्रा ले रहा है आपसे? क्योंकि वो आपको ये सुविधा दे रहा है तो उसने अपना परिवार चलाना है, उसमें कमाई करनी है, ऐसे कमाने हैं इस तरह से, जबकि मार्जिन 100 रुपए में इंक्लूड रहता था, फिर भी 5 रुपए एक्स्ट्रा लेते थे, तो जो भी हो छोड़ो उसको। मगर यूपीआई के जरिए जो पेमेंट हो रही है, बड़ी आसानी से हम यहां से वहां पैसा भेज देते हैं,
ए टाइम पर यह था कि अगर आपने पैसा भेजना है किसी को तो आप बैंक की ब्रांच में जाओ, लाइन में खड़े हो, पैसा उनके खाते में डालो, लंबा प्रोसेस, कम से कम एक दिन तो खा जाएगा आपका इस चक्कर में। आज आप किसी भी टाइम बैठे हुए किसी भी खाते में पेमेंट आसानी से कर सकते, इट इज इजी ऑन ऑल। दैट इज वाई रुपए चाहे 10 की पेमेंट करनी है 10,000 रुपए की, इट हैज बिकम सो इजी टू मेक पेमेंट फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। इसलिए शायद आप किसी भी शॉप में आजकल जाते हैं, आप 10 रुपए भी खर्चते हैं वहां पे, तो भी आप बोलते हैं कि क्यू आर कोड कहां हमने स्कैन करना है। इट मीन्स दैट कि ऑनलाइन पेमेंट का इतना ज्यादा प्रमोशन अपने आप क्यों हो रहा है? सरकार ने 1 रुपए प्रमोट नहीं किया खर्च करने के लिए, खर्च के लिए नहीं किया इसके ऊपर, प्रमोशन करने की आओ पेमेंट करो। जब भी प्रमोशन जिस काम की नहीं की जाती और वो काम सफल हो जाता है, विच मीन्स कि उसमें 1 रुपए का मुनाफा नहीं कमाया जा रहा है। जैसे कभी कभार कुछ लोग जो है वो जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं फ्री में, तो तुरंत यहां से यहां पहुंच जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही सरकार ने ये फ्री में काम किया और इसलिए बिना किसी प्रमोशन के हम तक ये स्कीम पहुंची और आज हम उसे यूज कर रहे हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? कि आप 10 रुपए की चाय भी ऑनलाइन पेमेंट्स से कर रहे हो क्योंकि आपको आसान लग रहा है पेमेंट, तो उसके खाते में पैसा जा रहा है, उसके खाते में पैसा जा रहा है, तो क्या वो इनकम टैक्स से बच पाएगा इस बार? क्योंकि अकाउंट में पैसा जाना मीन सरकार के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाना कि फलने अकाउंट से फलने अकाउंट में पैसा आया। पहले क्या था, कैश में पेमेंट आती थी ज्यादातर दुकानों में, वो लोग उसको गोल मोल कर देते थे, इट क्रिएट्स ब्लैक मनी, जब पैसा छुपा देते हैं। पर आज की डेट में जब हम लोग और आप लोग ऑनलाइन पेमेंट पे उतारू हो गए हैं तो कैसे बचे दुकानदार? दैट इज वाई गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन करने में आसानी हो रही है, क्योंकि उनके खाते में कितना पैसा है अब आसानी से मालूम चल जा रहा है। पहले कैश में पैसा होता था, आजकल पैसा ऑनलाइन जा रहा है, एंड छोटी छोटी टपरी पे भी पैसा ऑनलाइन तरीके से जा रहा है। इसकी बेनिफिट क्या हुआ कि सरकार को टैक्स आसानी से मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है कि कैश पे डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी। और आपकी जेब में सपोज कुछ पैसा, आप बारिश में भीग रहे हैं तो पैसा पानी से लग जाए तो ये जरूर कि आप उसे सुखाकर चला लेंगे, मगर उसकी एज कम हो जाती है करेंसी की। जो नोट पानी में गिल्ला हो गया बारिश में तो ना कि उसकी एज कम हो जाएगी। प्लस कई लोग नोट लेते हैं कि ये बेवफा है, सोनम बेवफा है, ये लिखा था किसने, आई थिंक वही लिख देते हैं ऐसा सा, तो वो जो लिख दिया उसके बाद वो उस नोट की एज कम हो जाती है जब आप ऐसे कुछ ओवर राइटिंग करना साथ देते हैं उसके ऊपर, तो डने के नहीं है। प्लस ये कि कई लोग पैसे यहाँ जेब में डालते हैं, फिर पसीना पड़ता है, फिर कुछ होता है, या कहीं भी डाल लेते हैं, जैसे मान लो डाल दिए जेब में 10 रुपए और लेट गए, यूं घूम रहे हैं आपको यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, तो नोट ऐसा वैसा हो गया, तो अननेसेसरी गवर्नमेंट की प्रिंटिंग कॉस्ट भी इस पे है कि नहीं है? आप बाहर ही पेज प्रिंट करवाओ जरा, कलर्ड प्रिंटिंग 10 रुपए लेते हैं आपसे कलर प्रिंटिंग के, तो कलर्ड प्रिंटिंग 10 रुपए की आती है, एक पेज प्रिंट करवाना है तो नोट पे भी अच्छी प्रिंटिंग करवाई गई है ना, उसकी भी कॉस्ट है। दैट इज वाई गवर्नमेंट की प्रिंटिंग कॉस्ट भी बचेगी। तो यूपीआई से पेमेंट करने पे 2 फायदे कि अब कोई दुकानदार ब्लैक मनी कम क्रिएट कर पाएगा, और दूसरा कि करेंसी जो है जिसकी एज कम हो जाती है जब आप यूज करते हैं उसको, तो ऐसा ऐसा अगर आप उसे यूज ना करें तो बेटर है। आज कई लोग, आप में से कई लोग होंगे जो आजकल पैसे की चिंता ही नहीं करते हैं कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं। पहले ये था घर से निकलना तो चेक करना कितने पैसे हैं, किराया वापसी का है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, जो कुछ भी है, पर आजकल इट हैज बिकम वेरी इजी। लास्ट में किसी गांव के एक बस में मैंने देखा कि वहां सवारियां कह रही हैं फोन पे नंबर दे, किराया फोन पे से जा रहा है, ये सवारियां कर रही हैं आज डेट में बस की सवारियां। तो बीच में जब बस में ट्रेवल करने के लिए आप यूपीआई पे कर रहे हो और दुकान में कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको पैसे की अब जरूरत क्या है कैश की। तो वी कैन बिकम कैश लेस इकोनॉमी इन नेक्स्ट 3 or 5 years जब सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करना सीख जाएंगे। पर आप तो सीख गए हैं, पर आपकी या हमारी जो प्रीवियस जनरेशन, हमारे पेरेंट्स वाले, वो इतनी अब स्किल्ड नहीं है फिलहाल वो पेमेंट करने में। बट जब आपकी जनरेशन थोड़ा से हमारी जनरेशन आगे पहुंच जाएगी और पिछली जनरेशन जो आएगी वो तो वैसे स्किल्ड होगी उस काम में, एंड दैट इज वाई काफी प्रिंटिंग कॉस्ट बचेगी करेंसी की। बहरहाल अब लिखिए की पॉइंट्स यूपीआई के बारे में, यूपीआई के बारे में मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स अबाउट यूपीआई, यूपीआई के बारे में मुख्य बिंदु, यूपीआई के बारे में मुख्य बिंदु की बात की जाए
यूपीआई को 2016 में शुरू किया गया। यूपीआई को 2016 में शुरू किया गया। यूपीआई को 2016 में से शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूपीआई को क्रिएट किसने करा है, तो इसको बनाया है एनपीसीआई ने। बोलने को हम क्या बोल देते हैं कि यूपीआई को सरकार ने बनाया है, पर सरकार में भी तो डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो क्रिएट करते हैं। तो डिपार्टमेंट का नाम क्या है, एनपीसीआई मींस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसने यूपीआई को डिजाइन करवाया और खुद एनपीसीआई को बनाया गया था 2008 में। एनपीसीआई 2008 में क्रिएट की गई थी, सही। तो हमारे देश में जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं वो किसकी देखरेख में होती हैं या किसकी निगरानी के अंडर होती हैं, एनपीसीआई के अंडर, राइट। तो अब चौथा पॉइंट है, हमारे देश की ऑनलाइन पेमेंट्स, हमारे देश की ऑनलाइन पेमेंट्स, हमारे देश की ऑनलाइन पेमेंट्स, हमारे देश की ऑनलाइन पेमेंट्स एनपीसीआई की निगरानी में होती है, एनपीसीआई की निगरानी में होती है ऑनलाइन पेमेंट्स, एनपीसीआई की निगरानी में होती है। अर्थात ऑनलाइन पेमेंट को इंडिया में जो कंट्रोल करता है वो कौन है, एनपीसीआई। तो आपके खाते से पैसा किसी और अकाउंट में अगर ट्रांसफर होता है बाय मिस्टेक इवन, तो इसकी जानकारी एनपीसीआई को रहती है। तो इंडिया में कोई भी ऑनलाइन पेमेंट हो उसकी नोटिफिकेशन या रिकॉर्ड किसके पास जाता है, एनपीसीआई के पास। मान लो आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, कैश बाहर नहीं आया पर पैसा कट गया, तो इसकी जानकारी किसके पास आएगी, एनपीसीआई के पास। एनपीसीआई उसे बैंक को देता कि भाई ट्रांजेक्शन फेल हुई है और पैसा कट गया। कई बार हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स से पेमेंट करते हैं और पेमेंट हो जाती है, पैसा कट जाता है पर पेमेंट नेटफ्लिक्स कहता रिसीव नहीं हुई, ये जो मिसमैच है उसे कौन टैकल करता है, एनपीसीआई। तो एनपीसीआई गाइडलाइंस कहती है कि भाई 72 घंटे के भीतर इसे रिजॉल्व करिए। तो कई बार बैंक जानबूझकर हफ्ते तक इसको ड्रैग करते हैं। जैसे मान लो आपने कहीं पेमेंट करी 10,000 रुपये की, पर हुई नहीं पेमेंट उसको रिसीव एंड आपके खाते से पैसा कट गया। अब बैंक को आप कॉल करते हैं कि मेरा पैसा कट चुका है, पर रेसिपिएंट को पैसा पहुंचा ही नहीं है। तो बैंक कहता है कि आपको 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, 3 दिन में पैसा आपका पहुंच जाएगा खाते में। आप 3 दिन वेट करते हैं, पैसा नहीं आता, फिर फोन करते हैं तो कहते हैं कि प्लीज वेट फॉर वन मोर डे। और कई बार ये 10 दिन खा जाते हैं, फिर 10 दिन बाद पैसा आपका आता है। तो पैसा तो आ गया, मगर ये बैंक की साजिश है, क्योंकि बैंक आपका पैसा अगर 10 दिन रखता है तो 10 दिन तक उस पैसे को किसी को देता लोन के ऊपर और उस पर मुनाफा कमाता है। सब जुगाड़ है बैंक का। तो हमेशा किसी बैंक या किसी कंपनी में आपका पैसा जब ऐसे रह जाता है तो कोशिश करते हैं जल्दी पैसा वापस ना किया जाए आपका, क्योंकि तो हमारे देश में ऐसी कई स्कीम्स हैं जिसमें आप 1 दिन के लिए भी लोन देकर पैसा कमा सकते हैं। आपको लास्ट समय मैंने कहा था कि आप ये ना सोचिए कि एफडी आरडी साल 2 साल 6 महीने, ऐसा नहीं है। एफडी मिनिमम 7 दिन की होती है। यदि आपके पास पैसा पड़ा है तो आप मिनिमम एफडी 1 हफ्ते की करवा सकते हैं। पर क्या 1 दिन की कोई स्कीम होती है? हाँ होती है। तो 1 दिन की भी स्कीम्स इस देश में है जहां आप 1 दिन के लिए सुबह पैसा दीजिए, शाम को पैसा वापस लीजिए और विद इंटरेस्ट ब्याज मिलता है। तो जब इतनी सारी स्कीम्स हैं तो बैंक चाहेगा कि आपका पैसा 2 दिन 4 दिन 6 दिन लेट दे, ताकि तब तक वो कहीं इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाए। इस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। और 1 दिन वाली जो मैंने स्कीम कही आपको, जैसे कि इस देश में कई छोटी छोटी मार्केट होती हैं जिनको पैसा हर दिन चाहिए होता है। जैसे अगर आप बंगाल जाएंगे तो बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो फिश मार्केट के लोग काम करते हैं उनको अर्ली मॉर्निंग सामान उठाना होता है बाजार से और शाम को बेच के फिर पैसा वापस करना होता है। तो वो लोग ऐसे हैं, वो पैसे बचाते ही नहीं,
दे डोंट सेव मनी, उन्होंने आज जो कमाया आज उसे खर्च कर देते हैं, पर क्या कम्युनिटी है वो मैं नहीं जानता कैसा उनका सोच है, पर वो सेव नहीं करते, जो कमाते उसे खर्च कर देते हैं, कभी बच्चों की फीस पे, कभी यहां खाने पे, रहने पे, घूमने पे खर्च कर देते हैं, तो उनको नेक्स्ट डे सामान फिर उठाना होता है बाजार से, मछलियां, तो पैसा फिर नहीं है, तो उनको हर दिन पैसा चाहिए होता है। इवन और दूर मत जाइए, चंबा में भी एक समय तक क्या था कि जो सब्जी मार्केट थी, ये जो सब्जी वाली का बाजार है जो छोटे मोटे लोग करते हैं काम, तो एक बड़े आड़ती से सुबह पैसा लेकर माल उठाते थे और शाम को आड़ती को थोड़ा और ज्यादा पैसा देकर पैसा वापस किया करते थे। जैसे मान लो मैं सब्जी वाला हूं, तो मुझे सुबह जो है वो 2 लाख चाहिए, मैंने माल उठाना है, और शाम को 2,05,000 आड़ती को वापस कर दूंगा। तो आड़ती ने कितना कमा लिया पैसा, 5,000, और सब्जी वाले ने 2 लाख की सब्जी मान लो बेचे 2.5 लाख में, तो 45,000 शायद उसने भी कमा लिया होगा। मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं उसकी इनकम को, पर फिलहाल मान लो कि ऐसा ऐसा है, तो एक पर डे इनकम पे भी माल ऐसे बिकता है, चलता है। बहरहाल तो यूपीआई के बारे में कुछ एक जानकारियां थी जो हमें डिस्कस करी हैं। इस देश में जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स होगी उसे करवाएगा कौन, एनपीसीआई। नाउ इस्लामिक बैंकिंग, नेक्स्ट टॉपिक। इसके बारे में मैं एक टाइम पे जिक्र भी किया था आपके साथ, हाँ, इस्लामिक बॉन्ड, हाँ वो बॉन्ड थे, बिल्कुल सही कहा, मगर इस्लामिक बैंकिंग आज हम डिस्कस करेंगे। तो भाई बैंकिंग तो बैंकिंग होती है, अब इसमें हिंदू बैंकिंग, मुस्लिम बैंकिंग, क्रिश्चियन बैंकिंग, सिख बैंकिंग कहां से आ गई, तो आपको मैं सारी बातें बताता हूं, ये माजरा क्या है। तो इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग की बात करेंगे, जो देश मुस्लिम देश हैं लाइक यूएई, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, जितने भी सारे हैं, ये काफी कंट्रीज हैं, मोर देन 30 कंट्रीज आर कंप्लीटली इस्लामिक कंट्रीज, तो उन देशों में ये कॉन्सेप्ट है। पर जो इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, जैसे यूरोप, अमेरिका, एशिया में कुछ देश ऐसे हैं जैसे जापान, चीन, इंडिया, ये इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, तो यहां पे भी कॉन्सेप्ट कई कबार इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस्लामिक बैंकिंग की हम बात करें, आपको एक टर्म मैं पहले बताता हूं, रिबा। रिबा का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए आप, RIBA, रिबा। रिबा का मतलब क्या है, रिबा मींस इंटरेस्ट, ब्याज, नॉट टैक्स। रिबा मींस ब्याज, इस अंग्रेजी में कहते हैं इंटरेस्ट। अब इस्लाम में ये हराम है, हराम मींस प्रोहिबिटेड। इस्लामिक लॉ शरीयत के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट या रिबा हराम है। ऐसा क्यों, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जब 5th-6th सेंचुरी में इस्लाम दुनिया में आया, प्रॉफेट मोहम्मद ने इसे इंट्रोड्यूस किया, तो उस समय पे हमारे समाज में जो क्या बोलते हैं उसको, दैट इज लैंड होल्डर मीन्स जमींदार, जमींदारों की लूट काफी ज्यादा थी, बहुत लूट थी उनकी जमींदारों से। जमींदार करते क्या थे, जमींदार या साहूकार कह सकते हैं इनको, है ना, जमींदार या साहूकार, ये लोग गरीब लोगों को उनकी जरूरतों के समय देते थे लोन, एक तरह का, जैसे गरीब आदमी आया कि मुझे पैसा चाहिए, घर में शादी है, एक गरीब आदमी गया साहूकार के पास, तो साहूकार उसको पैसा देता था ब्याज पे। अब वो ब्याज बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा होता था, तो गरीब आदमी आहिस्ता 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 उसके चंगुल में फंसता जाता था, पैसा चुका पाता नहीं था टाइम पे, और टाइम पर पैसा ना चुका पाने की सूरत में
जो साहूकार थे उस गरीब की जमीन, उस गरीब की झोपड़ी या घर पे कब्जा कर लेते थे। ये लूट हुई कि नहीं हुई फिर, कि आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे हैवी इंटरेस्ट पे दे रहे हैं। अगर आप पुरानी फिल्में देखते हैं आज भी, तो उसमें गरीब आदमी है किसान, तो उससे घर में बेटी की शादी आ गई। और इस देश में कुरीतियां ऐसी थी कि दहेज मांगते थे। अब गरीब आदमी जब शादी करवाने जा रहा है, उसने थोड़ा बहुत पैसा जोड़ रखा है, पर दहेज जो मांग रहे हैं तो उसकी औकात से ज्यादा मांग रहे हैं। अब इमरजेंसी में कहां जाए, तब बैंक होते ही नहीं थे, साहूकार लोग थे जो पैसा देते थे। तो उसने इमरजेंसी पे क्या करना, मैंने एक मूवी सीता गीता बन कौन सी मूवी देखी हाल फिलहाल में, जहां पे परिवार के अंकल होते हैं और उनके पास पैसा नहीं होता ज्यादा, तो लड़के वाले कहते हैं कितना पैसा दो नहीं तो बारात वापिस आएगी। मजबूरी में लड़की के पिता जो है किसी साहूकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे मेरी पत्नी के गहने से रख लीजिए और इतना पैसा मुझे दे दीजिए, तो मैं पैसा जब चुकाऊंगा वापस तो ये गहने मुझे वापस दे देना। तो कई बार अब किस्मत की बात है, अब बरसात अच्छी नहीं हुई कुछ नहीं, तो किसानों की इनकम नहीं होती थी उस समय पे, तब इरिगेशन की फैसिलिटीज थी नहीं, तो जब उसकी इनकम नहीं हो पाई प्रॉपर तो उसने पैसे समय पर नहीं लौटाए, तो समय पर नहीं लौटाने पर उन्होंने उसके गहनों को अपने कब्जे में ले लिया, धन के नहीं है। तो इस तरह से किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर जो साहूकार हैं या जमींदार हैं वो कब्जा कर रहे हैं उनकी जमीनों पर, उनकी संपत्तियों पर। तो हमारे देश में तो बुरे हाल थे, गरीबों को लूटा जा रहा था ब्याज के नाम पर, ब्याज के नाम पर एक गरीब आदमी को लूटा जा रहा था। तो आप उन फिल्मों को देखिए, एक व्यक्ति जो लोन लेने आ रहा है उसकी धोती फटी हुई है और साहूकार जो है टोपी पहनकर धोती पहनकर और पान खाकर ठोकर ठोकर आया यहां बैठकर साइड में, मतलब उसकी शान और शौक भी बड़ी, ये लूट सीखने थे। और आज भी जो जमींदार परिवार से आते हैं, जमीन की कमी नहीं, यूपी में बिहार में जमींदार परिवार से आते हैं, इवन आज भी लोग कहते हैं कि भी क्या है, तो वो तो बड़े जमींदार लोग हैं, तो उनके पूर्वजों ने किया क्या है, लोगों की जमीन में हड़पी है, उनकी जरूरत में उनको थोड़ा पैसा देकर और मजबूरी में जो भी कुछ किया और पैसा उनका वापस नहीं कर पाए तो जमीन की हड़प ली है इस तरह से। तो फिर इस्लाम जब उस समय पे आया तो दुनिया में काफी अंधकार था, देयर वाज डार्कनेस एवरीवेयर, क्योंकि इस देश में तो काफी डार्कनेस थी, स्पेशली दहेज को लेकर काफी डार्कनेस थी और साहूकारों की लूट से काफी डार्कनेस थी। तो जब इस्लाम इंडिया में आया तो एक कॉन्सेप्ट के साथ में आया कि जो ब्याज, जो व्यक्ति ब्याज लेकर पैसा कमाएगा उसकी कमाई हराम है, तो ना उसके साथ आप उठेंगे बैठेंगे ना उसकी कमाई आप खाएंगे। इसमें मेरा चाचा जो है वो साहूकार है मान लो, और वो लोन देते हैं ब्याज कमाते हैं, तो उनके साथ में उठूंगा बैठूंगा नहीं, ये उनके मैं घर में शादी में नहीं जाऊंगा, उनके हाथ में कुछ खाऊंगा नहीं। तो काइंड ऑफ की उन लोगों को सबक सिखाने के लिए कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया, और तब ऐसा भी था। तो इसमें रिबा हराम है, मीन्स कोई भी एंटिटी जो पैसा किसी को दे ब्याज पे, तो ब्याज वाली कमाई इस्लाम में हराम है उसे आप। इसलिए जो मुस्लिम्स फंडामेंटलिस्ट हैं, माने जो बिल्कुल विश्वास करते हैं धर्म में पॉइंट बाय पॉइंट, तो वो बैंक में अपना खाता नहीं खुलवाते, क्योंकि जो हमारे देश के कमर्शियल बैंक्स हैं, वेदर पीएनबी और एसबीआई और आईएफसीआई और एचडीएफसी आईसीआईसीआई, जो भी प्राइवेट सरकारी बैंक हैं, इन सबकी कमाई कैसे होती है, ब्याज के पैसा देकर कमाई होती है। तो इनकी कमाई चूंकि क्या है, एज पर इस्लामिक कॉन्सेप्ट आराम है ये, तो इनके साथ उठना बैठना तो सही नहीं होगा। एंड दैट इज वाई जो इनोसेंट है या जो पढ़ लिखे नहीं और जो दीन की ही बातों को जानकर ही अमल करते हैं, तो वो फिर नहीं खोलते खाता अपना नॉर्मल बैंकों के अंदर, सही कि नहीं है। इसलिए फिर अब क्या किया जाए, इस देश की मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है तो कैसे बैंक के साथ जुड़े, तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट आया केरल से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इस्लामिक बैंकिंग इस देश में पहले कहां स्टार्ट की गई है, केरल में इस्लामिक बैंक ओपन कर दिए गए पहली बार 2017। तो एक स्टेट है नाम उसका केरला, केरल या केरला, जहां पे 2017 में इस्लामिक बैंक खोल दिए गए, इस्लामिक बैंक खोल दिया गया।
तो अब यहां मुस्लिम अपना खाता खुलवा सकते हैं। अब आखिरी में सवाल ये बनता है कि इस्लामिक बैंक मतलब क्या, क्या बस उस बैंक की बिल्डिंग पर इस्लामिक बैंक लिखा होगा, कुछ और उनका भी कुछ काम करेंगे डिफरेंट हो। एक बैंक काम कैसे करेगा? बैंक हमसे डिपॉजिट लेता है, उस पैसे को लोन में देता है और अपना सिस्टम चलाता है। ये है सारा मैथमेटिक्स। जैसे मान लो बैंक है, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं डिपॉजिट, राइट? क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भी क्या चाहिए होता है, ब्याज। वो हमें भी चाहिए ना, कि कितना इंटरेस्ट है, 5% इंटरेस्ट है। अब बैंक इसी पैसे को देता है लोन पे लगभग 12 या 10% के इंटरेस्ट। मान लो 10% इंटरेस्ट है, तो अगर मान लो हमने 100 रुपए बैंक में जमा किया, हमें 5% मान लो मिल रहा है इंटरेस्ट, तो साल के बाद हमें मिलेगा 105 रुपए। अब बैंक इसका 105 कैसे बनाएगा? बैंक आगे लोन में उसी पैसे को दे देगा इसी व्यक्ति को और बोलेगा तू मुझे 10% पे वापस करेगा। तो 10% मीन्स 110 रुपए हो जाएगा। तो बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना आया? 10 रुपए एक्स्ट्रा बना। तो टोटल मनी कितना है? 110। उनमें से 105 बैंक की लाइबिलिटी है जो उसे वापस करने से। तो व्हाट इज द अर्निंग ऑफ बैंक? 5 रुपए। ऐसे काम करता है बैंक। इस्लामिक कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ब्याज पर पैसा देना ही हराम है, तो ये काम ही गलत है। तो अब इस्लामिक बैंक ऑपरेट कैसे करेंगे? इस्लामिक बैंक काम कैसे करेगा? अब मान लो एक मुस्लिम व्यक्ति है जो अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तो वो बैंक में पैसा जमा क्यों करे? सेफ्टी ऑफ मनी। अच्छा, बैंक में पैसा जमा हम क्यों करवाते हैं? सेफ्टी ऑफ मनी। सेफ्टी, घर में रखेंगे तो चोरी होने के चांसेस हैं। दूसरा क्या? ब्याज। तो क्या एक मुस्लिम व्यक्ति जब इस्लामिक बैंक में पैसा जमा करवाएगा, तो क्या वो सेफ्टी ऑफ मनी चाहता है सिर्फ, या ब्याज भी चाहता है? हाँ जी, ऑनली सेफ्टी ऑफ मनी। ब्याज तो आराम है, तो सेफ्टी ऑफ मनी में घर में रखेंगे तो पैसा चोरी होने के चांसेस हैं, गुम होने के चांसेस हैं, एक्सेट्रा, वहां रखेंगे, पैसा सेफ रहेगा। अब सवाल है कि अगर इसने 100 रुपए जमा किए, तो उसे चाहिए भी कितने रुपए? फिर 100 रुपए वापस चाहिए होंगे। अब बैंक के ऊपर लाइबिलिटी कुछ नहीं है, जैसे वहां लाइबिलिटी थी, यहां लाइबिलिटी नहीं है। बैंक को इसके 100 रुपए ही वापस लौटाने हैं, पर बैंक को उसका पैसा क्या रखना है? सेफ। तो बिल्डिंग चाहिए बैंक के लिए, बिल्डिंग चाहिए, कर्मचारी चाहिए। तो जो इस्लामिक बैंक की बिल्डिंग होगी, क्या वो फ्री में रहेगी रेंट में? ये रेंट पे चलेगी वो, तो बिल्डिंग कोई रेंट लेगा ना उसका, तो उसके जो इंप्लॉय वहां काम करने आएंगे, वेदर दे आर मुस्लिम्स और एनीबडी, क्या वो फ्री में काम करेंगे वहां पे? कोई बंदा फ्री में काम क्यों ही करे, बताइए? घर नहीं चलाना उसे अपना, बच्चे हैं, परिवार है, कुछ है, शादी करवानी है, पढ़ाई लिखाई करवानी है, तो फ्री में कौन काम करेगा? वो भी फ्री में हम काम करते दिन में 1 घंटा, दिन के 10 घंटे फ्री में नहीं कर सकते हैं। तो इश्यू फिर ये है कि अब बैंक अपने एम्प्लॉय, अपनी बिल्डिंग, बिजली फ्री में नहीं आएगी, है कि नहीं है? बैंक में जो फाइलें बनानी है वो फ्री में नहीं आएंगी, इंटरनेट लगवाना है वो फ्री में नहीं आएगा, फिर ऐप बनते हैं, साइट बनते जहां पे ऑनलाइन रिकॉर्ड उनके चेक किए जाते हैं, वो फ्री में नहीं आएगा, ये पैसा कहां से आएगा? तो बैंक पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है इस्लामिक कंपनीज में, ऐसी इस्लामिक कंपनीज में, या कोई हिंदू किसी और की कंपनी क्यों ना हो, पर वो फिर अल्कोहल में काम नहीं करते हो, वो गैम्बलिंग, क्योंकि अल्कोहल गैम्बलिंग, या फिर जैसे कि पोर्क, ये हराम है सारे इस्लाम में, तो ये एक्टिविटीज ना करते हो, तो फिर जो बैंक है वो उनमें इन्वेस्ट करता है पैसा जो इस्लाम के अकॉर्डिंग काम सही में इन्वेस्ट करता है, और फिर इन्वेस्ट करके इसको क्या होता है यहां से मुनाफा, उसी मुनाफे से फिर अपना बैंक चलाता है, तो ये सारा जुगाड़ है। मगर इस्लामिक बैंक फेमस नहीं हो पाए, क्योंकि इस देश का जो मैच्योर मुस्लिम है वो भी क्या चाहता है कि मैं बैंक को पैसा दूं तो इंटरेस्ट नुकसान। दीन मजहब में जो लिखी बातें हैं वो 100% फॉलो करने बैठेंगे तो शायद तरक्की नहीं कर पाएंगे। जो मॉडर्न जमाना है जिसमें
सबकी भूख क्या है, बड़ी गाड़ी हो, मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, घूमने फिरने जाए, अच्छा खाना खाएं, तो ये सब कैसे बनेगा? जब पैसा आएगा तो आजकल किसी भी मजहब के लोग हो किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते, कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए ये टॉपिक हमने आज फिनिश किया, चलो कल हम कुछ और बातें यहाँ डिस्कस करेंगे।